इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। टोकेसेटेल टैबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। आप इसे जिस लिए ले रहे हैं उसके आधार पर आपके लिए ज़रूरी डोज अलग हो सकती है। आमतौर पर यह दवा शाम में ली जाती है, लेकिन इसे लेने का तरीका जानने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह माने। इस दवा की आवश्यकता आपको केवल उन दिनों हो सकती है जब लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आप लक्षणों को रोकने के लिए इसे ले रहे हैं तो आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। अगर आप कोई खुराक छोड़ देते हैं या सलाह दिए गए समय से पहले लेना बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं। यह दवा आमतौर पर काफ़ी सुरक्षित है। सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स में नींद या चक्कर आना, मुंह सूखना, थकान और सिरदर्द शामिल हैं। आमतौर पर ये हल्के होते हैं और कुछ दिनों बाद दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर इसमें समायोजित हो जाता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट बना रहता है या परेशान करता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या या मिर्गी दौरे है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। आपकी खुराक को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है या यह दवा आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। कुछ अन्य दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए हेल्थ केयर टीम को आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में बताएं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो आपको इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, हालांकि यह नुकसानकारी नहीं माना जाता है। टोकेसेटेल टैबलेट के लाभ। एलर्जिक कंडीशन का इलाज। टोकेसेटेल टैबलेट नाक रुकने या बहने, छींक आने, आंखों में खुजली चलने तथा आंखों में पानी आने जैसे लक्षणों से राहत प्रदान करता है। इससे आपके लिए रोजमर्रा की गतिविधियां पूरी करना आसान हो जाएगा। यह कीटों के काटने के बाद होने वाली एलर्जिक रिएक्शन और हाइव्स और एक्जिमा के लक्षणों जैसे कि चकत्ते, सूजन, खुजली और जलन से राहत भी दे सकता है। इससे आपकी त्वचा दिखने में बेहतर लगेगी और इसके साथ ही आपके मूड और आत्मविश्वास में भी सुधार होगा। इसके गंभीर साइड इफेक्ट कभी कभार ही होते हैं और आपको इसे लेने की ज़रूरत लक्षण दिखने वाले दिनों में ही पड़ सकती है। इसके अलावा टोकेसेटेल टैबलेट से आपको अन्य एंटीहिस्टामाइन दवाओं की तुलना में कम नींद महसूस हो सकती है। अगर आप इसे लक्षणों की रोकथाम के लिए ले रहे हैं तो इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसका नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। टोकेसेटेल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। टोकेसेटेल के सामान्य साइड इफ़ेक्ट। नींद आना, थकान, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, उल्टी, नासोफेरिंजाइटिस, नाक और गले में सूजन। टोकेसेटेल टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। टोकेसेटेल टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।